है ये आपका साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे और इसका अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल और डबल बोन लिखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे यहाँ कार्बन 6 कार्बन है इस तरह लिखेंगे और यहाँ पर डबल बोन है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल, यहाँ H H। आपको याद है मैं आपको बताया था कि कहाँ कितने सिग्मा बोन और कहाँ कितने पाई बोन है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ डबल बोन है एक पाई और एक सिग्मा, सिंगल बोन है सिग्मा, हम करते हैं यहाँ सिग्मा, ये पाई बोन है और ये सिग्मा, ये सिग्मा 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 पाई और सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बोन, यहाँ सिग्मा बोन, टोटल हम सिग्मा बोन कैसे कितने हैं, 1 2, यहाँ 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल सिग्मा बोन हो गया 12। पाई बोन कितना हो गया, 1 2 और 3 3 पाई बोन। जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्मा बोन इन पाई बोन इन बेंजीन, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, फिर जहाँ डबल बोन है आपको बताया गया था डबल बोन का मतलब होता है पाई बोन और एक सिग्मा बोन, सिंगल बोन में सिग्मा बोन रहेगा, उस तरह आप सिग्मा और पाई से नोटेशन करेंगे, फिर जितना सिग्मा बोन है उसको काउंट करके लिख लेंगे और जितना पाई बोन हम लोग उसको लिख लेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं जो पिछला क्लास में आया था, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं, जो आपका 11th क्लास के लिए सिग्मा बोन और पाई बोन से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। जैसे दे दिया हाउ मेनी सिग्मा बोन इन प्रोपाइन, एक क्वेश्चन आ गया। आपको पता है प्रोपाइन क्या होता है, प्रोपाइन एक तरह का एल्काइन मॉलिक्यूल, एल्काइन मॉलिक्यूल, एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे प्रोप क्या होता है, वाटर कार्बन हाइड्रोजन, या प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे काउंट करेंगे 2 × 3 − 2 3 × 3 = 6 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 कार्बन है। आयन क्या है इसमें, आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब होता है प्राइमरी साफिक्स से, प्राइमरी साफिक्स क्या होता है, वो 2 कार्बन एटम के बीच में बोन्ड कैसे है, तो जहां आयन का मतलब होता है ट्रिपल बोन्ड, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बोन्ड दे देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा। यहाँ अब हम लोग कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा इसको हम कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए हम बोन्ड काउंट करेंगे, 1 बोन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 8 यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 2 4 6 और 8। अभी हम आपको जैसे बताए थे जहाँ सिंगल बोन्ड है वहाँ सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और जहाँ ट्रिपल बोन्ड है 2 पाई और 1 सिग्मा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रोपाइन में कितना सिग्मा बोन्ड है, तो हम लोग केवल सिग्मा बोन्ड लिखना है, यहाँ पर पाई बोन्ड नहीं मांगा है, तो आप ध्यान देंगे टोटल सिग्मा बोन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल सिग्मा बोन्ड कितना हो गया 6। कैसे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा बोन्ड है, क्योंकि आपका सवाल है सिग्मा बोन्ड तो सिग्मा बोन्ड लिखना, लेकिन आपको हम जानने के लिए बता देंगे पाई बोन्ड कितना है, 2 पाई बोन्ड है, लेकिन परीक्षा में आपको केवल सिग्मा बोन्ड पूछा है तो सिग्मा बोन्ड लिखना है, पाई बोन्ड नहीं लिखना है। तो इसी तरह कई क्वेश्चन से फिर अगला क्लास में हम आपको और भी इसका एप्लीकेशन बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। आज के लिए क्लास यहीं तक, ओके।